Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये कुछ ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लेड्स, ये पुराने टाइम पे स्टोन्स के बने रहते थे, अलग अलग नुकीले हथियार बनाने जाते थे, वेपन्स में यूज़ किए जाते थे ये ब्लेड्स। ठीक, तो इनका हथियार बनाने में काम होया जाता था। ये एक्चुअल में स्टोन्स के भी हुआ करते थे, पत्थरों के भी बनाए जाते थे, और साथ के साथ बोन्स के भी नुकीली चीज़ें बनाई जाती थी, क्योंकि बोन्स भी उस टाइम पर बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। ये सभी कह सकते हैं कि उस टाइम के पुराने ब्लेड्स बनाए जाते थे। अब देखो, ये बोन्स दिखाई दे रही हैं, ये बोन्स के ब्लेड बनाए गए हैं, ये हथियारों के फॉर्म में यूज़ हुआ करते थे। इस डायग्राम में तो आपको पता चल ही रहा है, बोन्स है, ये यही बोन्स यूज़ हुआ करती थी ब्लेड्स बनाने में, नुकीले हथियार बनाने में। ऊपर हम कह सकते हैं कि चाकू रखा हुआ है चॉपिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए। बहुमूल्य माला रखी हुई है, ये बीड्स जो इस्तेमाल की जाती थी, ये मालाएं, प्रीशियस स्टोन्स यूज़ हुआ करते थे इसमें, बहुमूल्य रत्न और बहुमूल्य पत्थर, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं हुआ करती थी, नाप ही नहीं सकते थे उस टाइम पर, इन स्टोन्स का माला बनाने में यूज़ हुआ करता था। ये माला देख सकते हैं, ये तरह तरह के स्टोन्स की मालाएं बनाई गई हैं, आपके सामने माला पेश है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने तरह तरह की सील्स हैं, जिनको स्क्रिप्ट्स बनाया करते थे। स्क्रिप्ट्स ऐसे इंसान हुआ करते थे जो सील बनाने का काम किया करते थे, और राजा उनको काम करवाने के लिए अपने पास बुलाता था। तो ये सील्स बनी हुई हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ सील और दिखाई थी, अब और ज़्यादा सील्स देखने को दिखाई दे रही हैं हमें। देखो, बहुत सारे सील्स बनी हुई है स्टूडेंट्स। ये सभी स्टोन पर बनाई जाती थी, अलग अलग तरह के पत्थरों पर। उस टाइम पर पत्थरों का काम भी बहुत फेमस था, प्रचलन में था, तो राजा को क्राफ्ट का भी काम अच्छा लगता था, क्योंकि लोगों में टैलेंट भरा हुआ था क्राफ्ट से रिलेटेड। तो सील बनाने का काम, टेराकोटा टॉयज बनाने का काम, पॉटरी सिस्टम, बर्तन बनाते थे मिट्टी के बर्तन, ये बास्केट बनाना, डिगिंग स्टिक वगैरह, तो ये उस टाइम पर बहुत प्रचलन में था काम। अब हड़प्पा के लोग उस टाइम पर फूड आइटम्स क्या क्या खाते थे। सबसे पहले वीट का इस्तेमाल होता था, गेहूं जो लोग खाने में इस्तेमाल किया करते थे, बार्ले धान जो होती हैं वो भी यूज़ किया करते थे, पल्सेस दालों का भी होता था, पीज मटर ये सब यूज़ होती थी खाने में, राइस चावल का भी उस टाइम पर, क्योंकि आदि मानवों के टाइम से ही, अर्ली मैन के टाइम से ही राइस की क्रॉप होने लग गई थी। और लास्ट है हमारा सीसम, ये एक तरह का पेड़ होता है, ट्री होता है, ठीक, इससे कुछ निकलता होगा खाने की चीज़, तो ये सारी वस्तुएं खाने में इस्तेमाल की जाती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हमारा चल रहा था। ये इसमें जो मैंने बताए थे स्टोन वेट्स जो कि पहले यूज़ हुआ करते थे प्रॉपर, ये एक तरह के चर्ट नाम का जो स्टोन था, एक स्पेशल स्टोन होता था, प्रीशियस स्टोन्स में गिना जाता था, वो बहुमूल्य पत्रों में, तो इनका इस्तेमाल होता था वेटिंग सिस्टम के लिए। आप राइट साइड में देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर जो बना हुआ, ये बीड्स मालाएँ बनी हुई हैं, इसमें भी एक रेड कलर का जो स्टोन जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता था कि इसको काट दिया जाता था पहले, और बीच में होल बना दिया जाता था जिससे कि धागा इनके बीच में से निकल सके, इसीलिए ये एक दूसरे से, देखो, स्टोन्स जोड़ रखे हैं धागे की हेल्प से, इनमें बोर किया जाता था, होल बनाया जाता था सेंटर पॉइंट से। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं येलो कलर के, ये हमारे वही जो मैंने आपको बताए थे ब्लेड्स थे, स्टोन ब्लेड्स। आइए थोड़ा सा और रीड आउट कर लेते हैं। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। हड़प्पा के टाइम पे भी लोगों का
सील बनाने का काम बहुत प्रचलन में था, बहुत फेमस था। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर में होते थे, रेक्टेंगल शेप में, जितनी भी हमने सील देखी हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिली हमें। एंड यूजली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम, इनके ऊपर जानवर ही बना रहता था, कोई ना कोई जानवरों की डिज़ाइनिंग बनी रहती थी। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस, हड़प्पन जो थे घड़े भी बनाने का काम करते थे और बढ़िया बढ़िया काली डिज़ाइनिंग भी करते थे उनके ऊपर। तो पहले हम कह सकते कि पॉट सिस्टम भी बहुत बढ़िया चलता था उस टाइम पर, पॉटरी सिस्टम था। अब सवाल ये उठता है, वॉज मेटल यूज्ड इन विलेजेस, यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर टू हमने पढ़ा था, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो पहले गांव में मेटल्स का यूज़ होता था। वॉज स्टोन्स यूज टू मेक वेट्स, क्या स्टोन्स का पहले यूज़ हुआ करता था? आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो, सबसे पहले देखो हमारा आज से करीब 7000 साल पहले की बात है, मेहरगढ़ में कॉटन की खेती हुआ करती थी। न्यूलिथिक एज का टाइम चल रहा है ये पीरियड। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सेम सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सिल्वर वेस पे उन्हीं क्लोथ्स को बनाया जाता था उनके बेसिस पर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल फोल्ड्स, यानि कि वही जो मैंने बात बताई थी कि धागे को लपेट दिया जाता था एक डंडी पर जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं, और वो सारे काम को ये इंसुलेट किया जाता था उसको। और जब मेटल की बात रही तो लोगों विलेजेस में मेटल का यूज़ कुछ ही हुआ, इतना अर्ली मैन के टाइम पे नहीं था, बट जैसे ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई या हड़प्पन सिविलाइजेशन आई तो लोगों ने मेटल्स का भी यूज़ करना सीख लिया। स्टूडेंट्स इसमें एक दे रखा है वर्ड फैंस, फैंस क्या होता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। अनलाइक स्टोर और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, ये बिल्कुल एक तरह का मेटल के फॉर्म में यूज़ हुआ था, होता था, स्टोन कह सकते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती थी, ये नेचुरली वे में बनाया जाता था। फैंस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, जैसे हम स्टोन्स तो हमें कह सकते हैं कि नेचुरल वे में नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं, नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, बट फैंस का काम जो था वो इंसान ही करता था, उसके ऊपर जो भी मेहनत होती वो इंसान की होती थी, क्योंकि नाम आर्टिफिशियल आ गया हुआ है इसमें। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, एक गम यूज़ हुआ करती थी इसको शेप देने में और ऑब्जेक्ट बनाने में, ठीक, तो उस गम का यूज़ किया जाता था। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन ए शाइनी, इन ऑब्जेक्ट्स को, इन मूर्तियों को इस तरीके से बनाया जाता था कि इनमें शाइनिंग आ जाती थी, एंड ग्लासी सरफेस कह सकते हैं कि इनका सरफेस जो देखने को मिलता था वो ग्लास टाइप का देखने को मिलता था, कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये वस्तु जो है थोड़ी फ्रेजाइल है, नाजुक है, कांच की जैसी वस्तु लगती थी। द कलर्स ऑन द ग्लेज्ड वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन, इनमें जो कलरों का यूज़ किया जाता था रंगों का वो या तो नीले कलर का होता था या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा सी ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का जो शुरुआत में जो सी होता है समुद्र, उस तरह का रंग इसमें किया जाता था। फैंस वॉज यूज टू मेक बीड्स बैंगल्स ईयरिंग्स एंड टाइनी वेजल्स, फैंस जो था मालाएँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता था फैंस का काम, और चूड़िया बनाने में भी यूज़ होता था, ईयरिंग्स बनाने में यानी कि हम कह सकते हैं कानों में पहने जाने वाले कुंडल, इनका भी यूज़ किया जाता था, और टाइनी वेसल्स, वेसल्स बनाने में छोटे छोटे वेसल्स हुआ करते थे उस टाइम पर, ये भी बनाने में यूज़ हुआ करता था। मैनी ऑफ दिस मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी चीज़ देखा कि भाई पहले स्पिंडल होल्स का काम हुआ करता था, टेराकोटा टॉयज बनाने का भी काम हुआ करता था, फैंस बनाने का भी काम हुआ करता था। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, ये हम जैसे धागा बनाते हैं, ठीक, स्पिनिंग करते हैं, एक डंडी के ऊपर स्पिन करते हैं उसको, तो वो धागा उस पर लिपटता जाता है, तो ये सारा काम भी उस टाइम पर हुआ करता था। मैनी ऑफ द थिंग्स डैट वर प्रोड्यूस्ड produced probably the work of specialists. A specialist is a person who is trained to do only one kind of person work. अब ये
काम जो था वो एक ही तरह के इंसान के द्वारा किया जाता था, जो कि अपने ही स्किल्स जो काम करता था वो उसमें स्पेशलाइज्ड था, उसका स्पेशलाइजेशन था, एक्सपर्टीज़ था वो अपने काम में, उसको एक्सपर्ट कह सकते हैं कि उसे प्रॉपर जानकारी थी अपने इस सब्जेक्ट के जो जिस काम को वो करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन पत्थर काटने का काम, पॉलिशिंग बीड्स मालाओं को चमकाने का काम पॉलिश करने का, और कार्विंग सील्स यानी कि सील्स बनाने का काम ये स्पेशल पर्सन ही किए जाते थे, इनके पास स्पेशल स्किल्स हुआ करती थी। जैसे कि हमने पहले इलस्ट्रेशन में देखा था कि हाउ वेल द फेस ऑफ कार्व एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। हम कह सकते हैं कि ये मूर्ति का भी कह सकते हैं, जो बनाने काम जो था राजा की जो दाढ़ी बनी हुई थी उसमें, ये सारा काम एक स्पेशल पर्सन ही किया करता था जिसके पास स्पेशल स्किल्स होती थी। दिस इज मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये काम जो है हम कह सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा किया जाता था। अब जैसे पिक्चर में राजा बना हुआ है तो इसकी देखो कितनी बढ़िया डिज़ाइनिंग से इसकी दाढ़ी बनाई हुई है, तो ये दाढ़ी बनाने का काम मूछ का ये एक्सपर्ट पर्सन ही करते थे, और हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती थी इस तरह का काम करना, इस तरह की डिज़ाइनिंग करना। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर इंसान स्पेशलिस्ट नहीं होता था, क्योंकि ये स्पेशल क्वालिटीज जो थी उस इंसान में होती थी जिसके अंदर प्रॉपर स्किल हो काम करने की। वी डो नॉट नो वेदर ओनली मैन आर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन आर स्पेशलिस्ट। हम ये भी नहीं कह सकते थे उस टाइम पर कि पुरुष स्पेशल पर्सन हो या फिर महिला में वो अच्छी क्वालिटी हो ये मूर्ति का बनाना, क्राफ्टिंग का काम करना। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पर दोनों के अंदर ही स्पेशल क्वालिटीज हुआ करती थी। मैंने ये भी बताया था कि वो अपना काम जो था वो घर से भी कैरी करती थी, कंटिन्यू करती थी, और साथ में साथ अपनी वर्कशॉप में जाके भी काम करती थी। मार्केट में उन्होंने अपनी वर्कशॉप बना रखी होगी, खोल रखी होगी, जिसके अंदर वो काम करती थी। ओके थैंक यू क्लास, आज की इतनी ही क्लास थी, अपना हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे रॉ मटेरियल्स का नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रभात शर्मा क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहें। ओके थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।